पहले भू माफिया और अब जौहर यूनिवर्सिटी, एक के बाद एक गाज गिर रही है आजम खां पर। जी हाँ, पहले एंटी भू माफिया के लिस्ट में नाम दर्ज और अब सिकंजा कसा गया जौहर यूनिवर्सिटी पर। आखिर वजह क्या है जो लगातार आजम के खजानों को नजर लग गई है? आपको बता दें, आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर अचानक भारी पुलिस बल ने छापा मारा। पुलिस सीधे यूनिवर्सिटी के अंदर मुमताज सेंट्रल लाइब्रेरी पर पहुंची और लाइब्रेरी में तलाशी शुरू कर दी। लाइब्रेरी में रखी दुर्लभ पुस्तकों के बीच उन्हें लगभग 200 ऐसी पुस्तकें मिली जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह पुस्तकें मदरसा आलिया से चुराई गई पुस्तकें हैं। आपको बता दें कि रामपुर के थानागंज में 16 जून को जुबेर खान तत्कालीन प्रिंसिपल मदरसा आलिया द्वारा एक FIR कराई गई थी, जिसमें शिकायत की गई थी कि सैकड़ों साल पुरानी दुर्लभ किताबें और मेन स्क्रिप्ट चोरी कर ली गई। उन्हीं की तलाश करते हुए पुलिस को यह जानकारी मिली कि वह पुस्तकें मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में होने की आशंका है, जिस पर जांच करते हुए जौहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पर छापा मारा गया। आपको बता दूं कि उन पुस्तकों पर उस समय की मोहरें और मदरसा आलिया की निशानियां हैं और जौहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखे गए रजिस्टर और रिकॉर्ड में भी कहीं भी उन पुस्तकों का उल्लेख नहीं मिल रहा है। उन किताबों को बरामद करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया और पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, क्या आज कार्रवाई की गई है? 16 जून को थाना क्षेत्र गंज में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें ये शिकायत जो प्रधानाचार्य हैं उनके द्वारा, मदरसा आलिया के जो प्रधानाचार्य उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनके जो 1774 में एस्टेब्लिश हुआ था इंस्टीट्यूशन जो कॉलेज रामपुर का, उसमें से कई ऐसी पुरानी किताबें 100-150 साल से ज़्यादा पुरानी किताबें हैं जो चोरी की गई। उसी समय में सूची उनके द्वारा दी गई थी, उसमें जो हमारे तथ्य संज्ञान में आए उन्हीं तथ्यों के आधार पर आज ये रेड की गई है, जिसमें सर्च के दौरान काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, किताबें और मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो चोरी हुई थी, जो बरामद हुई है। फिलहाल हमारी सर्च अभियान अभी जारी है, इसके बाद जो आगे अपडेट होगा। अरेस्टिंग भी हुई है सर? हाँ, कुछ लोगों को कस्टडी में लिया गया है और आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। जहां पुलिस अपना काम कर रही है, वहीं कॉलेज के फैकल्टी द्वारा कहा जा रहा है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं था कि पुलिस आने वाली है। डॉक्टर गुलरेज, आप यहां पे यूनिवर्सिटी में क्या है? मैं यहां फैकल्टी हूं, मैं पढ़ाती हूं। अच्छा, क्या हुआ जब पुलिस आई, तो क्या पूरा मामला था? ये पुलिस जब यहाँ पर आ गई है, उसके बाद मुझे इत्तला मिली है कि पुलिस यहाँ पे एंटर हो गई है। ना उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से कोई परमिशन ली है, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया है कि वो क्या देखने आ रहे हैं। डायरेक्टली एंटर हो गए यहाँ पे और सर्च कर रहे हैं कि कुछ किताबें चोरी हो गई हैं। कौन सी वो किताबें हैं, कहाँ से किताबें चोरी हो गई हैं, क्या बुक्स के नेम है, क्या उनके वॉल्यूम है, क्या लिस्ट है इनके पास, क्या प्रूफ है इनके पास की किताबें चोरी हुई हैं, ये कैसे यहाँ पर आ गए हैं और वो भी इतनी तादाद में पुलिस को लेकर आए हैं, क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं। 2 घंटे से कंटिन्यूसली वो दरवाजे बंद है और अंदर सर्च कर रहे हैं। यहाँ से डिब्बा गाड़ी से निकल के अंदर गया है, अंदर से बाहर आया है, क्या चीज इन्होंने अंदर ले जाके रख ली हम लोगों को कुछ नहीं पता है। तो आपके सामने डिब्बा गया कोई अंदर? हाँ, लोग देख रहे हैं, उन्होंने यही बताया। पुलिस जहाँ आई, अब क्या कंडीशन है? अब हम बाहर वेट कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ खड़े हुए, अंदर हम लोग को जाने की परमिशन नहीं है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर गुलरेज निजामी। अब देखना ये है कि क्या किसी की साजिश है या सच में पुस्तकें चुरा कर लाइब्रेरी में लाई गई थी। वजह कुछ भी हो, आजम खां की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। रामपुर से NTTV भारत के लिए बाबर खान की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।